उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से है। आपको बता दें कि नेवड़िया थाना क्षेत्र के नएपुर हथेरा निवासी महिला इंद्रेशाब देवी के मुताबिक बताया गया है कि गांव के दबंग लोग हमारे भूमधरी बाग में मट्टी डालकर रास्ता बना रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया तो हमें मारा पीटा गया था। जिस संदर्भ में नेवड़िया थाने में लिखित तहरीर दिया गया था कि विवाद को लेकर के विपक्षी गण ने महिला अपने पति कृष्ण कुमार के साथ अपने घर पर थी। गुरुवार की रात नेवड़िया थाने पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई और नेवड़िया पुलिस ने इलाज के लिए CSC रामनगर भेजा। देखे जौनपुर जिले से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की खास रिपोर्ट। का नाम देशा देवी। कहाँ घर पड़े? नएपुर हथेरा। क्या मामला है, किसलिए थाने पर आए हैं? साहब हमारी जमीन है, बाकी जो है उसमें हम लोग हमारा जो है वो लोग अपना रास्ता बना रहे थे जबरदस्ती हमारे गांव के जो है। क्या नाम है? वो गुलाब, जलाऊ और रवि, बिपिन। अच्छा, यही सब लोग बोके सब लोग जबरदस्ती बना रहे थे। हम लोग रोके दोपहर में तो वहाँ पे गाली गलौज दिए, मारपीट किए, उस समय भी मारे पीटे। फिर हम लोग थाने पर आए जी। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा लिखा पढ़ी, इसके बारे में मुझे मता नहीं है कुछ जी। इसके बाद फिर सभी लोग घर पर गए तो रात में सवा नौ साढ़े नौ के करीब रहा होगा। उसी समय सभी लोग तीन चार पांच लोग जो है कि वहाँ पे गुट बना लिए कर और हमारे घर पर जाकर मारपीट किए, मारे। कहाँ घर पे? हाँ घर पर हमारे वहाँ। अच्छा, नाम बताइए उनका। नाम बताइए। किसका नाम? वो जो मारे पीटे हैं वो गुलाब, रवि, विपिन, बोके। अच्छा, यही सब लोग। तो कहाँ, किसको चोट आई है? हमारे पति को। क्या नाम है आपके पति का? कृष्ण कुमार। कहाँ चोट आई है? उनके सिर पर मारा गया, रात से बात की है। सब लोग मार पीट रहे थे, कई जगह पे उनको मारा गया है, पैर पे मारे हैं, तो खटरी पर लगी है। इसके बाद हम लोग जो कि ये सब ये लोग कहिए, फिर हम लोग वहाँ पर अपने गांव से थोड़ी दूरी पर है अकेले में। वहाँ पे जब हम लोग फिर सहायता के लिए गांव की तरफ दौड़कर आए मैं, तो एक भैया थे उनसे मैंने कहा गाड़ी लेकर चलो इनको दवा जल्दी, जिन्होंने इनको मार पीट दिए हैं। फिर वो लोग तो मारकर भागने लगे अपना, फिर हम अपने आदमी को लेकर परेशान हो गए, इसको लेकर डॉक्टर ही आने लगे। तो रास्ते में भी हम लोगों को नहीं आने दिए, हम लोगों की गाड़ी वहीं पर छीन लिए उनके घर की तरफ से। वही बोके, गुलाब, जलाऊ सभी लोग वहीं पर गुट बनाकर अब किसका किसका बिपिन। तो कौन सी जगह छीने हैं आपके? बिपिन के घर पर ही, उन्हीं का घर है, उन्हीं मुर्गी फार्म है, वही रास्ते से आना जाना है सभी का। अच्छा। उसी रास्ते से दवा के लिए आ रहे थे हम लोग कि चलो भैया जल्दी से डॉक्टर लेके चले, इनका ब्लड सब निकल रहा है सिर से। आप थाने पर आई हैं तो क्या कहें यहाँ के SO साहब, पुलिस कर्मी? मेडिकल हुआ? हाँ मेडिकल तो हुआ है, अब आगे देखिए। लिखित तहरीर दिए थाने में? लिखित तहरीर दिए कि नहीं? दरखास्त ये है, दरखास्त। अच्छा, ठीक।